बेटा ये तुम्हारे लिए दशहरे का तोहफा, कपड़े और जेवर, ये लो। थैंक यू, पर मैं इतनी परेशान थी कि मैं तो आपके लिए कुछ लाना ही भूल गई। नहीं बेटा, सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। मैं इतनी परेशान थी कि मैं तो आपके लिए कुछ लाने ही भूल गई। I'm so sorry. नहीं बेटा, तुम मुझे दादी बनने का सुख जो दे रही हो, इससे बड़ा तोहफा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। रख दो आराम से। तो क्या मैं ही आपसे कुछ और मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मांगो ना। जो मांगोगी मैं दूंगी। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें ला कर दी तुम्हें बेटा। मेरे लिए तो ये घर ही मेरी दुनिया है माँ। बस यही चाहती हूँ कि दादी से ऑफिस का नया कैबिन रोहित को दे। गए हो, रुक गए, कंटिन्यू एक्शन। विद्या, मासा रोहित को पहले से अनुमान की कैबिन दे चुकी और रोहित को सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है ना। आप तो ऐसे कह रहे जैसे रोहित को खजाना मिला हो आज तक, और अब तक रोहित को अरमान की उत्तम के सिवा और मिला ही क्या है माधव जी? और मासा ने अरमान का कैबिन रोहित को इसलिए दिया था क्योंकि रोहित के पास कैबिन नहीं था। और अगर आपको अरमान की इतनी फिक्र हो रही है माधव जी, तो फिर आप मासा से कहिए ना कि अरमान का कैबिन उसे वापस दे दें और रोहित को नया कैबिन दे दे। और ये बात आप ही कह सकते हैं क्योंकि मेरी बात तो मासा सुनेंगे नहीं। अरे मैं कैसे? क्यों, आप क्यों नहीं कह सकते? आपको ही कहना होगा अपने बेटे रोहित के लिए, अपने होने वाले पोता या पोती के कहना होगा माधव जी। Look. Okay. आपको ही कहना होगा माधव जी।